Salatu wa salamu alayhi wa rasulullah. Wa ala alika wa sahabika ya habibullah sallallahu ta'ala alayhi wa alayhi wa sallam. Ki Muhammad se wafa, tumne to hum tere hain. Ye jahan cheez hai kya lohu kalam tere hain. मैं जब स्कूल में मैंने यही शेर सुना जब मैं कॉलेज में गया, हर महफिल में मैंने यही शेर सुना जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, मैंने हर तकरीब के आगाज में यही शेर सुना। गोया के इस कौम को अगर किसी एक शेर पर इत्तेफाक करती है तो वो यही शेर है। लेकिन मुझे अपनी सारी जिंदगी इस शेर का सही मायनों में मतलब समझ नहीं आया। मैंने कहा एक बात ये तो समझ आ गई कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, रब कहता तूने मेरे हबीब से वफा की तो मैं तुम्हारा। ये समझ नहीं आती कि ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है, अचानक सब कुछ तुम्हारा। मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, मैं इसे अपनी अमली जिंदगी में क्या चाहता हूं। तो फिर जब मैंने एक व्हील चेयर वाले बाबे के फौजगी के बाद उसके जनाजे का मंजर देखा, मुझे समझ आ गई ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। हमसे लोगों ने एतराज किया जब पाकिस्तान की तमाम तर मजहबी जमातें एहतजाज कर रही थी, आपने उस तारीख को क्यों नहीं किया? आपने फ्रांस के खिलाफ 11 सितंबर को क्यों नहीं किया? अपनी अलग से डेटिंग की मशीन बनाई? मैंने कहा नहीं, जरा गौर करो, 11 सितंबर को हमारे मुकम्मल एहतजाज जो पिंडी इस्लामाबाद में जारी रहा, हजारों की तादाद में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का नौजवान निकला, उसने सबसे ज्यादा कौन सा नारा लगाया? कहता है जिहाद का नारा लगाया। मैंने कहा अच्छा, तो फिर ये जान लो कि 11 सितंबर को 9/11 कहते हैं। आज से 20 साल पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अटैक हुआ था, उसके बाद अमरीका ने पूरी दुनिया में जिहाद के नैरेटिव को मिलियमेट करने की कोशिश की थी। इन नौजवानों ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में निकल के फिर वही नारा हर जुबान पे आम कर दिया। इनको इनके अंदाज में, टेक्निकल अंदाज में शिकस्त देने की जरूरत है। जब मौलवी साहब उठा लिए जाते थे जिहाद की बात करते हैं तो, आज अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी तो मौलवी, कॉलेज का मम्मी डैडी बच्चा भी नारा लगा रहे अल जिहाद अल जिहाद। ये क्या ये कामयाबी नहीं है? क्या ये तब्दीली नहीं है? आज हमें ये बात समझनी होगी कि मेरे आका अलैहिस्सलाम जब अपने उम्मती पर एहसान करते हैं तो उसे तोहफे में इश्क रसूल अता करते हैं। इश्क रसूल कमाया नहीं जाता, खरीदा नहीं जाता, ये बारगाह नबवी से अता किया जाता है। हर आशिक अपने अंदाज में अपने इश्क का इजहार करता है। कोई अडयाले के जेल में फांसी के फंदे पर लटक के अपने इश्क का इजहार करता है। किसी ने 100 साल पहले मियांवाली की जेल में जाके फांसी के फंदे पर लटक के ये कहा कि जुनूने गर्दिश माहौल का रुख मोड़ देते हैं, हमको मुस्लिम है जो जालिम
नबी को तौहीन की नजर से ना देखो, जमाना जानता है हम ऐसी आंखें फोड़। तो आज से 2 महीने पहले पिशावर के हाई कोर्ट में मेरे वर्दी ने उठ के ये बता दिया कि हूं तो मैं अमन का कायम, वक्त आने पे मैं तूफान बन जाऊंगा, अगर उंगली उठी मेरे नबी की नामूस पे मैं कलम छोड़ के तूफान बन जाऊंगा, तलवार। मैं 14 अगस्त मनाने कराची गया, मैं पश्तूनों के इलाके से गुजर रहा था। A person came to me and he told me कि यार ये वो जगह है जहां मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को दाढ़ी से नोच के अमेरिका के हवाले किया गया। मैंने कहा अच्छा किया गया, अब क्या है? कहता है अब अमेरिका उसके गिट्टों में बैठा हुआ है कि हमारे साथ अमन के मुज़ाकरात कर दो। मैंने कहा समझ आ गई कि अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेक भी करता है सिपाही। दोस्ताने जी वकार, ये बात याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है लेकिन जज्बा ईमानी उससे ज्यादा जरूरी है। मैं हुकामे बाला से कहता हूं कि अफगानियों के पास एटम बम नहीं था लेकिन उसने सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। काश हमारे हुक्मरानों के पास, ये बात याद रखिएगा कि वो काम जो एटम बम भी नहीं कर सकता वो मर्द मोमिन का एक नारा कर सकता। थरथरी मच जाती, यकीन करो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि जब हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एडजस्ट कर रहे होते हैं वो लिबरल माफिया की शक्लें देखने वाली होती हैं। यहां अपने हम ख्यालों में पंखे के नीचे ये नारा लगाना बहुत आसान है। मुझे खुशी तब होगी जब यहां का नौजवान कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाके नारा लगाएगा। सिस्टम में तब्दीली चाहते हो? मैं, मेरे बुजुर्ग, हमारे शयूख, आज मैं सूरज को चिराग दिखाने आया, मेरी क्या औकात अपने मुर्शिद जहां से जाके भीख मांगते हूं पाक पतन शरीफ के शहजादे के सामने आके तकलीफ करूं, लेकिन मैं एक हाथ जोड़ के आपसे दरख्वास्त करता हूं कि फिल फॉर उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस, मशाइख कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। सिस्टम में तब्दीली उस वक्त होगी जब पाकिस्तान के हर बड़े आस्थान के साथ उन्हीं हजरत साहब के नाम पे एक यूनिवर्सिटी कायम होगी जहां इन नजरियाती नौजवानों की तरबियत करके उन्हें सीएसपी ऑफिसर्स बनाया जाएगा। जब तक तुम में से कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं बनता सिस्टम चेंज नहीं होगा, जब तुम में से कोई आर्मी ऑफिसर नहीं बनता सिस्टम चेंज नहीं होगा। तुम लोग के दारों महकमों में जाओगे तो 20 साल बाद कोई अच्छी सियासी क्यादत मुल्क को मिलेगी। मैंने वो बात की है जो पिछली तमाम बातों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें शायद वाह ना मिले लेकिन इसमें अमल कर दो तो दुनिया में इस्लाम की वाह हो जाएगी। सिस्टम पे काम करने की जरूरत है। हम लोगों ने जलसों पर काम किया, हम लोगों ने रैलियों पर काम किया, हम लोगों ने उर्सों पर काम किया, हम लोगों ने सिस्टम पर काम नहीं किया। आज दुनिया हमें छुटे मार और दुनिया में हम पीछे रह चुके, सिस्टम पे काम करने की जरूरत है। तुम्हें पैंट कोट और टाई पहननी पड़े कोई मसला नहीं, पहनो, यूनिवर्सिटीज में जाओ, यूनिवर्सिटीज के बाहर खड़े हो जाओ, खत्मे नबूवत का नमाज से एक सफा लिख लो प्रिसाइज करके और उसके फोटोकॉपीज करा के यूनिवर्सिटीज के बाहर नौजवानों को पैंट कोट पहन के गिफ्ट करो कि जी हम इस वहां मुल्क के मुस्तकबिल का 2-2, 4-4 हजार इंजीनियर डॉक्टर आर्मी ऑफिसर और वकील बैठा हुआ है, हमने उस पर काम नहीं किया। जी वकार उस पर काम करो, मुल्क के मुस्तकबिल के एमएलए एमपी उधर बैठा हुआ है, तुमने उस पर काम नहीं किया। लिबरल ने उसको घेर लिया, लिबरल ने वहां अपने सेमिनार्स कराए। आसमा जहांगीर की नाजायज औलादें, वो मेरा जिसम मेरी मर्जी का नारे लगाने वाली वो नुत्फ़ा हराम की पैदावार वो वहां पे पाए गए। हम वहां पर अगर पीछे रह गए तो इसमें
हमारा अपना कसूर है, इसमें हमारा अपना कसूर है। अब आते हैं आगे, दो चार पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे थे। दोस्तों इस प्रकार एक चीज समझ जाइए, आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा झूठ बोला जाता है कि अक़वामे मुत्तहिदा में ये हो गया कि जनाब मुसलमानों के खिलाफ जुल्म नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। आपके यूनाइटेड नेशन में 5 चौधरी बैठे हैं, अमेरिका, बरतानिया, रशिया, फ्रांस और चाइना, 225 ममालिक हैं आपकी दुनिया के। इन 5 वीटो पावर्स में से कोई एक भी कह दे कि यह करारदाद जो सबको मंजूर है मुझे मंजूर नहीं है, तो करारदाद मुतफिका तौर पर ना मंजूर हो जाती है। पता आपको इस बारे वीटो पावर, लिहाजा फ्रॉड हुआ। आपके पिंड में पंचायत बैठती है, 5 बंदे बैठते हैं और उनमें से एक भी कह दे कि मुझे फैसला मंजूर नहीं तो ना मंजूर, और 1000 बंदों की शूरा है, तो समझ लीजिए कि अगर 1000 बंदे कहते हैं कि हमें यह बात मंजूर है और एक कहता है ना मंजूर उन पंचायत में से, तो वो मंजूर नहीं होता, तो ये क्या है? फ्रॉड है। तो दोस्तों ने जीवकार, अपने हिस्से की जंग तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी। तुम्हें गुस्ताखी रसूल का कला कमा करने के लिए अक़वामे मुत्तहिदा से भीख नहीं मांगनी खान साहब। अक़वामे मुत्तहिदा तुम्हारा मसला हल नहीं करेगी। तुम्हारा मसला अगर तुम फिल फॉर उसी वक्त फ्रांस के सफीर को मुल्क से मुल्क बदल कर चुके होते, तो हर हाकिम वक्त जो मुसलमान मुल्क का है उसका शहरी उसका गिरबान खुद ही पकड़ के कहता कि तुम भी इमरान खान बनो, लेकिन शायद तुम्हें यह सआदत नसीब नहीं। और अगर फाइनेंशियल क्राइसिस की बात है तो वो लॉस होता, माशी लॉस होता। तो जनाब मुसलमान बिजनेसमैन में कई आशिकाने रसूल हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान भेजने में तैयार होते, तुम कदम तो उठाते। ये फैसले हमें तक में पड़ेंगे। जब एक मुकद्दस गाय को कोई गाली देता है तो उसे उठा लिया जाता है, उठा लेना चाहिए, लेकिन यह बात याद रखो, हजारों वजीर, हजारों मशीर, हजारों MLA, हजारों MPA, हत्ता के हजारों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरे आका के नाले के साथ लगने वाली धूल में कुर्बान। तुम लोगों ने आज तक अपने खिलाफ बोलने वालों को उठाया, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया। काश के किसी गुस्ताख का सॉफ्टवेयर अपडेट किया होता तो आसिया वाला मामला पेश ना होता। काश के वक्त में आरपीओ शेखुपुरा को बंदे का पुत्र बना दिया जाता तो ये ननकाने वाले बाकी ना होते। काश के वक्त पे वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA अबू बकर खुदा बख्श को ओहदे से बरतरफ कर दिया जाता तो आज मुल्क में ये हाल ना होता। हमारे मुल्क के कलीदी इन ओहदों पे कादियानी बैठे हुए, ये तो डिक्लेयर्ड है, नॉन डिक्लेयर्ड पता नहीं कितने होंगे। भाईजान ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ये बात जो मैं कर रहा हूं मैं नहीं जानता कि यहां से वापस घर पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। यहां नारे लगवाना आसान है, इतने बड़े मगरमच्छों को लताड़ना बहुत मुश्किल होता है। इस सिस्टम पे काम करो, अपने MLA के पास जाओ, उसे बोलो MLA साहब आज मैं तुमसे अपने बच्चे को भर्ती करवाने नहीं आया, MLA साहब आज मैं तुमसे अपनी गली पक्की करवाने नहीं आया, MLA साहब आज मैं तुमसे अपनी गली का नलका लगवाने नहीं आया, आज मैं तुम्हारे पास आया हूं कि असेंबली में यह करारदाद पेश कर दो कि ब्यूरोक्रेसी और आर्म फोर्सेस में कादियानियों की भर्ती पर पाबंदी लगा दी, सिस्टम ठीक हो जाए। करारदाद पेश करो, मंजूर करवाना, मैं दिखाता हूं तुम्हें। हम यहां धरना देकर बैठ जाएंगे कि जनाब करारदाद पेश होगी तो वोटिंग ओपन होगी, जो MLA वोट देगा पता चले, वो कैमरे में दिखाए कि मैं हिमायत में हूं मुखालिफ हूं, उसका बाप भी हिमायत में वोट देगा। सिस्टम पे काम करो, ये सिस्टम ठीक हो गया, आपको एहतजाजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस सिस्टम पे काम करो, अपने MLA को जाके बोलो तुम मेरे नौकर हो, तुम्हारी हटो बचो, तुम्हारे आगे पीछे जो जितने प्रोटोकॉल हैं मेरे वोट की वजह से। तो बंदे का पुत्र बन के इसका सही इस्तेमाल किया जाए। अब आते हैं आगे, एक बहुत अजीब सी सूरत हाल इस मुल्क में कायम है।
आपको पता है इसराइली आर्मी में यहूदियों के अलावा सिर्फ एक तबके को इजाजत है भर्ती की, वो कादियानी। मोदी जब इसराइल गया था तो उसके वजीर आजम के सदर के साथ अगर कोई शख्स उसका इस्तकबाल कर रहा था तो उनकी जमात अहमदिया का अमीर था। क्या अब भी ये कौम नहीं समझेगी कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है? उसके ईमान और कुफर को एक साइड पर रखो, मैं माइनॉरिटी को भी लेके आता हूं। क्या अब भी समझ नहीं आती कि माइनॉरिटी कोई और चीज होती है और फितरा कोई और चीज होती है? माइनॉरिटी मेरी जिम्मेदारी है बीइंग अ मुस्लिम, मैं उसका ख्याल रखूं। फितना मेरी जिम्मेदारी है कि उसे जड़ से उखाड़ देते हैं। ये है रियासत मदीना। रियासत मदीना माइनॉरिटी को कहती थी कि तुम वो टैक्स दो, तुम्हारी जानों की और माल की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। वहीं रियासत मदीना मुसैलिमा कज़ाब के खिलाफ पूरे पूरे लश्कर भी रवाना किया करती थी। दोस्तों को यह बताने की जरूरत है दुनिया को कि जब मुसैलिमा कज़ाब के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया गया तो खलीफा वक्त ने पहले पाबंदी आयद की थी कि बदरी सहाबा को नहीं जाना चाहिए किसी भी जंग में, हम उनको बैठ के ज्यारत करेंगे उनकी। लेकिन जब मामला खत्मे नबूवत का आया तो कहा चाहे बदरी सहाबी हो या गैर बदरी, अब सबको लड़ाने ये से शुक्र। इस मामले को समझिए आगे। अब आते हैं इसराइल की तरफ। आपके दो एंकर पर्सन ने ओपनली हमायत की कि जनाब इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान कहां पे है? वो सिर्फ मौलवियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। कहां है आप लोगों की कौमी यकजहती का मामला, मुल्की सालमियत का मामला? क्या ये पाकिस्तान की बेसिक आइडियोलॉजी पर हमला नहीं है? एक साबिक जनरल ने बैठ के आपके मीडिया पे बोला कि जनाब इसराइल को एक्सेप्ट करने पे डिबेट की जा सकती है कि करें या ना करें। जनाब जहां पर या आ जाता है ना कि करें हां या ना, वहां फितने की जड़ उसकी बुनियाद रख दी जाती है। किसी ने आकर उसे नहीं रोका कि बंदे के पुत्र बनो, तुम लोगों को अगर हम लोग सलूट करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि हराम तो क्या करना शुरू हो जाऊं। ये हमारे सर का ताज है अखबाज पाकिस्तान, लेकिन इन काली भेड़ों को और गंदी मछलियों को साइड पे करना पड़ेगा। अब आए नजरियाती सरहदों की हिफाजत की, हजरत साहब ने बात की थी। बात यह दोस्त आदमी से बकार जिंदगी का नहीं पता होता, किसको पता था इतना जल्दी बुजुर्गों ने चले जाना। लिहाजा जब तक जिंदा हो धड़ल्ले से टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना सीखो। तारीख हमेशा से दलेरों की लिखी जाती है, बूट चाटने वालों की नहीं लिखी जाती। तारीख हमेशा से बेबाक और निडर लोगों की लिखी जाती है, अमेरिका के कुत्ते दहलाने वालों की नहीं लिखी जाती। उस वक्ती तौर पे तो यह कहा जाता था कि यजीद जो है वो मैदान मार गया ना उज़ुबिल्लाह, मौरख ने किसको जिंदा रखा ये देखा जाएगा। वक्ती तौर पे तो कहा जाता था कि ना उज़ुबिल्लाह यजीद सबकत ले गया, उम्मत के हर पांचवें छठे बच्चे का नाम हुसैन है कि नहीं है। फारूक जहादी थे, उस्मान गनी जहादी थे, हैदर करार जहादी थे, हसन हुसैन जहादी थे, टीपू सुल्तान जहादी थे, मोहम्मद बिन कासिम जहादी थे, सलाउद्दीन अयूबी जहादी थे, नूरुद्दीन जंगी जहादी थे। हमारी पूरी तारीख जहाद से वतन है, हम जहादी नबी की जहादी उम्मत ही हैं, हमें इसके फखर होना चाहिए। नंबर वन ताजदारे खत्मे नबूवत का नैरेटिव, नंबर टू जिहाद का नैरेटिव। मिर्जा कादियानी को जब लॉन्च किया गया 1857 की जंग आजादी के बाद,
तो उसका लिटरेचर फ्री में छापा गया और डिस्ट्रीब्यूट किया गया। किस बेस पे? कि तुम किताब लिखो तुम्हारे नाम के बगैर भी हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हर मस्जिद मदरसे, हर इमाम बारगाह, हर स्कूल कॉलेज की डिनर बना देंगे। क्यों? उसमें लिखो क्या? उसमें लिखो कि दौरे हाजिर में सल्तनत बरतानिया के खिलाफ जिहाद जायज नहीं है। ये फाकतश के मौत से डरता नहीं जरा, जिसके घर में भूख प्यास था और गैरतमंद गयूर दले इतना कि मौत से नहीं डरता। हाउ टू डिफीट दैट सॉर्ट ऑफ मुस्लिम, उस मुसलमान को कैसे शिकस्त दो? वो फाकतश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकल। फिक्र अरब को देखे फरंगी तखयलात जो आज दौरे हाजिर में हो रहे, यूएई और बाकी तमाम अरब ममालिक जो इजराइल के गिटों में बैठ के औरत और शराब बेच चुके हैं। फिक्र अरब को देखे फरंगी तखयलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल। और 100 साल पहले एक बार बता गए, अगवानियों की गैरत दी का है यह इलाज, मुल्ला को इनके कोह दमन से निकाल। सिर्फ तब जाकर तुमने शिकस्त दे सकते हो। दोस्तान जी वकार, तुम खत्म नबूवत का काम करो तो याद रखो लोग अपना मसलक देखे बगैर तुम्हारे पीछे चलने को तैयार। मैं मदीना शरीफ में 2 साल पहले जब गिरफ्तार हुआ तो उन्हीं के मुतब्बे आए मुझे छुड़वाने के लिए। उन्होंने कहा ये अच्छा बिदत ये से करने आप काम करने वाले बने। शायद में नौरानी रहमतुल्लाह अलैह के बाद एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया था जो मुमताज कादरी की शहादत ने पुर किया। अब दोबारा एक खला पैदा हो गया। दोस्तान इसी वक़्त उस खला को आपने और हमने पुर करना है। मस्जिद मदरसे और खानकाह की जिम्मेदारी उलमा और मशाइख की है, वो ऐसे तरीके से निभा रहे हैं, पीछे हम रह गए हैं। अब आप लोगों का रुख तालीमी इदारों की तरफ होना चाहिए। तहिया करें अपने बच्चों को, जहां मदरसे में पढ़ा रहे हैं वहीं इन्हें एक डिग्री होल्डर भी बनाओ ताकि ये वही हाफिज कुरान वही दरस निजामी करने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर बन के बैठा हुआ, बजाय इसके जो उसके दफ्तर के बाहर 6-6 घंटे इंतजार करें और बोले हमें इजाजत दे दें कॉन्फ्रेंस की, वो बोले जी आप और किसी टॉपिक पे रख दें इजाजत मिल जाएगी, आप आगे अगर कुड़ियों नचा दें आपको इजाजत मिल जाएगी, खत्म नबूवत पे टॉपिक नहीं छीने। ये मुल्क के हालात कुछ इस तरह के, बंदा पूछे तुम्हारे बाप का मुल्क है कि ये मुल्क के हालात, ये मुल्क बने ही उनके सबके है। हमें आगे ताना दिया जाता है छोटा तबका, इस छोटे तबके जैसे जनाजे ला के दिखा दो कहीं। हमें आगे ताना दिया जाता है छोटा तबका। मैं आपको बताता हूँ छोटा तबका क्या है। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह ने जनरल ज़ियाउल हक मरहूम के दौर में उनका ADC आता है, वो कहता है नियाजी साहब मुल्क की हालात कुछ इस तरह के हैं कि आप अपनी तहरीकों से दस्तबरदार हो जाए, बैठ जाए। आप मुस्कुराते हैं और जवाब नहीं देते। तो किसी कहते हैं नाजी साहब यू नो आई एम इन यूनिफॉर्म, वी आर रनिंग द स्टेट एंड यू आर अंडर द स्टेट, मैं वर्दी से मलबूज हाँ, मैं रियासत को चला रहा हूं, तो तुझे रियासत दमाता है को? नाजी साहब जवाब देते हैं बेटा आई वॉज इन यूनिफॉर्म एंड यू वर इन लिक्विड स्टेट, में तब पाकिस्तान का परचम उठा के वर्दी में मलबूज था जब तुम पैदा हो। ये था छोटा तबका। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के पास खिजर रियाबते वाला ब्लैंक चेक लेके आता है और कहता है फिल इन साइन इट, एनु साइन करो लिखो जितने पैसे चाहिए नहीं ले लो, जिनानु सपोर्ट ना करो आप वो ब्लैंक चेक एंड पीटीए जला देंगे ने। फिर तेवाना धमकी देता है कि अब अगर जिना का साथ दिया तो मुझसे बड़ा आपका दुश्मन कोई नहीं होगा। तो आप जवाब देते हैं मैं अल्लाह के 99 ना पढ़े जिना खिजर आटे माने का नाम मौजूद नहीं। सरो सनो मार दे तेरी मर्जी, जिसको दहशत दे कर मार दे।
मगर एक जिसे ढूंढने को भेज दी इतनी सपा, ये ना हो वो तुझे तेरे घर के अंदर मार दे और तेरा उसके चाहने वालों से पाला पड़ गया, जो परिंदे भेज के लश्कर मार दे। और ये बात मीनार पाकिस्तान का जनाजा अपने दुश्मनों से बोल गया कि फैसले तारीख के मैदान में होते नहीं, मारने वालों कोई तुमको ना मर कर मार दे। आज हाथ खड़ा करके बताओ कौन है मैंने के घर से खाना खाता है? कोई भी नहीं खाता। कौन वजीर साहब के घर से खाना खाता है? कोई भी नहीं खाता। तो तुम्हें सच बोलने में मौत क्यों पड़ती है? तो फिर बुरे को बुरा कहने में मौत क्यों पड़ती है? ये पता नवाब वडेरे कैसे बने, ये जिनके आगे हम लोगों के लोग ये मजारे बन के बैठे होते हैं। 1857 और जंगे इसकी जंगे आजादी और तहरीक खिलाफत 1920 की, उसमें जो टाउट होते थे ना चेले चापलूस, जो मुसलमान एक प्लानिंग करते थे कि सुबह हमने फलां चौकी पे जाकर हमला करना है, उस सारे प्लान को जो अंग्रेजों के आगे बेच आते थे दरमियान में बैठ के, वो अंग्रेजों की मुखबिरियां करने वाले, जब अंग्रेज यहां से जाने लगे ना जाए, सुबह जब मुसलमान हमला करने लगते थे 20 जाते थे तो 200 अंग्रेज सामने खड़ा होता था। ये हैरान किया, पता कैसे चला? वो चेले चापलूस बीच में बैठे होते थे। अंग्रेज जब यहां से जाने लगा तो उसने कहा कि अकबर सगीर पे अपना तसल्लुत कैसे कायम रखा जाए। उसने कहा एक तरीका है, जो मेरे चेले और चापलूस है उन्हें बुलाओ। उन्हें बुलाया और घोड़े के ऊपर बिठा दिया, उनके सर के ऊपर दस्तार बांध दी गई और कहा कि घोड़े को दौड़ाओ। मगरिब पर जब सूरज गुरूब होने लगा, वहां तक जहां घोड़ा तुम्हारा दौड़ता है वहां तक की सारी जमीन तुम्हारी और तुम यहां के नवाब बन गए। तो ये जो अंग्रेजों के कुत्ते ने लाया करते थे आज तुम्हारे ऊपर एमएलए एमपीए की सूरत में काबिज बैठे, ये जो अंग्रेजों के घोड़े नहलाया करते थे और उनके हुक्के भरा करते थे तुम्हारे ऊपर काबिज है, आज ये फैसला कर लो नौजवानों कि आज के बाद हम किसी नवाब को तस्लीम करने से इनकार करते हैं, आज के बाद किसी सरमायादार या वडेरे को तस्लीम करने से इनकार करते हैं, आज के बाद इज्जत उसी की होगी जो हुजूर की इज्जत की बात करे, आज के बाद इज्जत उसी की होगी जो खत्म नबूवत की बात करे। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। अब आखिर में अब ये सारी बातें वो थी जो आप सुनना चाहते थे, इसको जरा तहम्मुल से सुनिएगा। आज तक मसला ये है कि मसला समझाया ही नहीं गया। आप लोगों का कश्मीर पे हिंदुस्तान पहले काबिज था, अब वो उसका मालिक बन चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह एक ये है कि आपके जितने भी लोग वहां डेलीगेशंस की सूरत में जाते हैं कश्मीर का मुकदमा लड़ने के लिए, वो आपके मिनिस्टर्स एमएनएस और एमपीएस के भांजे भतीजों का सिफारशी टोला होता है। उस सिफारिश की बुनियाद पे जाते हैं कश्मीर का मुकदमा लड़ने आलमी अदालतों में, आलमी सेमिनार्स में और कॉन्फ्रेंसेस में, रातें उनकी शराब और कबाब में गुजरती हैं, और सुबह जब जाते हैं तो पता क्या कहते हैं? अभी बहुत टेक्निकल बात है, इंडिया का बंदा भी सामने मौजूद होता है, आपका भी, हमारा बंदा जाके कहते हैं वो जी कश्मीर से बड़ा जुल्म हो रहा है। वो कहते हैं जी ठीक है जुल्म हो रहा है, ये बातें अपने पाकिस्तान में बैठ के आवाम को सुनाना, हमें लॉजिकली प्रूव करो कश्मीर कैसे तुम्हारा, इंडिया क्या करता है? इंडिया जाके झूठ के पलंदे बांधता है
वो कहता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्ला फ्ला आर्टिकल नंबर फ्ला फ्ला उसकी शिक फ्ला कश्मीर ये वाला भी हमारा है, जो आजाद कश्मीर है पाकिस्तान के पास वो भी हमारा है। और हमारे लोग जब उनसे पूछा जाता है हाँ जी आपकी कानूनी शिक बताएं, अकवाम मुत्तहदा के चार्टर के मुताबिक उसकी करारदादों के मुताबिक रेजोल्यूशन के मुताबिक, तो ये कहते हैं वो तो सानू नहीं पता लेकिन उसे जुल्म बड़ा। दोस्तान ज़िम्मेदार, ये वो ढंगे हैं जिन्होंने कश्मीर को खुद अपने हाथों से बेचा है। एक बात याद रखिएगा, सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि इस्लाम अमन से फैला या तलवार से फैला, तो कहते हैं मैं नहीं जानता अमन से फैला या तलवार से फैला, ये जरूर जानता हूं क्या मतलब इस्लाम का दिफा होगा तो तलवार से होगा। मेरा मजहब ये गलत बताते हैं कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरी जाकर कर दो, नो, कुरान का कानून है खून का बदला खून है, बराबरी की सतह पर जवाब दो। ये माजरत खाना पॉलिसी तो मैं लेट हुई है मुसलमानों, ये माजरत खाना पॉलिसी इस्लामोफोबिया के खिलाफ हम लोग जी सेमिनार करके लोग को समझाएंगे कि यह अमन का मजहब है, नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह उनके दौर में जब एक जरनैल ने शाम से जाने वाले काफिले को लूटा गया तो सलेबी जरनैल ने लोगों को तजहीक आमेज रवैये में मुसलमानों से कहा कहां है तुम्हारे नबी मोहम्मद, बुलाओ उन्हें तुम्हारी मदद को। अयूबी रहमतुल्लाह अलैह खड़े होकर कहा अल्लाह मुझे तब तक मौत ना दो जब तक मैं ये दो काम नहीं करता, नंबर वन जब तक बैतुल मक़द्दस को फतह नहीं करता, नंबर टू जब तक मैं इस गुस्ताख से बदला नहीं लेता। बैतुल मक़द्दस फतह होता है सारे सलेबी जरनैल लाइन में बिठाए जाते हैं, इस्लाम यकीनन अमन का दर्स देता है, सबको पानी पिला के अपनी अमान में ले लिया जाता है, लेकिन जब उस गुस्ताख जरनैल की तरफ नजर उठती है तो कहते हैं तो वो तुम थे जिसने कहा बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को, लो देखो रसूल अल्लाह ने अपने गुलाम को भेज दिया उसका सब जंगी रहमतुल्लाह अलैह हुआ करता था कि जब उन्होंने गुस्ताख को वासिले जहन्नम किया तो मदीना की गलियों में चीखते हुए रोते हुए कहते थे कि मेरे आका ने मुझे चुना इस काम के लिए, मेरे आका ने मुझे चुना, मेरे ये मेरी हैसियत, रोते हुए कहते थे मदीना की गलियों में। कोर कमांडर होता था तो तारिक बिन ज़ियाद की तरह होता था कि दुश्मन की फौजें हस्पानिया में 10 गुना बड़ी होती थी, वापसी का रास्ता सिर्फ कश्तियों के जरिए दरिया का होता था, तो कहता था कि कश्तियों को आग लगा दो या गाजी बन के जाएंगे या शहीद बन के जाएंगे, भागेंगे नहीं। दोस्तों ने ज़िबकार ये बात याद रखो, मैं अपनी जिंदगी में कई मरतबा देख चुका हूं। एक बार दुरुस्त फरमाते थे कि फिजाए बदर पैदा करना तुम्हारा काम है, तुम्हारी मदद और नुसरत के लिए फरिश्ते भेजना अल्लाह का काम है। हम लोग जो पूरा पूरा साल का ट्रेन करते हैं कि हमारे फला जलसे में आ जाओ, शायद लोग ना आए इतने, हम एक कॉल देते हैं कि हजूर की नामों से रिसालत के लिए मैदान में निकलो, हमारी ये शक्ल नहीं होती, हमारी ये औकात नहीं होती, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि उस मजमे का दूसरा सिरा कहां पे मौजूद है। दोस्तों ने ज़िबकार बदीउज़्ज़मान भट्टी साहब ने पहली मरतबा मुझे जड़ावाला की एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया था, तो वहां जो बंदा मुझे रिसीव करके लेके आ रहा था, जो ऑर्गेनाइज करा रहा था गंगापुर में सर, वो जिनका वो नहीं जिसका वो पोल्ट्री फार्म है, वो मुझे बता रहा था कि मैंने ये कंट्रोल शेड पे ना मजदूरी करता था, और वहां पर क्या होता था कि थोड़ी बहुत मजदूरी वो मुझे देते थे, उजरत उसकी देते थे, तो हमारे गांव में कादियानियों से लेन देन लोगों का ज्यादा था, वो मदद करते थे लोगों की, तो हमारी फैमिली से मेरा क्लैश ये बन गया कि जनाब तुम लोग उनकी बातों में क्यों आते, तो वालिद कहता तुम खुद तो कुछ कमा नहीं सकते, तो कहता मैंने शर्त रख दी कि अगर मैं ज्यादा कमाने लग गया तो आपने इनको छोड़ देना है, ना कमाया तो ठीक है फिर आप अपना जारी रखें। कहते अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं अभी दो तीन अपने कंट्रोल शेड बना के बैठा हुआ हूँ और 15-20 हज़ार मुर्गियाँ जो है मेरे अपने कंट्रोल शेड में मौजूद हैं। कहता है कि मैं इसी खत्म की कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, तैयारियों के सिलसिले में जड़ावाला से फैसलाबाद जा रहा था,
तो कहता है एक हाईएस का मैंने किराया दे दिया था, मैं उसमें बैठा नहीं था क्योंकि तीन चार सवारियां रहती थी। मैंने कहा सारे आ जाएंगे तो इकट्ठे बैठ जाएंगे, मौसम कोई इस तरह का गर्मी ज्यादा थी। कहता है कि इतने में एक शदोला आता है, वो आके मुझे कहता है कि अपनी कमीज मुझे दो। मैंने कहा यार तू पैसे ले ले, 10 रुपए ले ले, 20 रुपए ले ले, इतना मांग। कहता है वो मेरे पीछे पड़ गया, कहने लगा मुझे दो ही दो हर सूरत में। कहता है इतने में सवारियां पूरी हो गई, मुझे कंडक्टर कहता है चलो ना बैठो, वो शदोला मुझे पकड़ के खड़ा हुआ है कि नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कहता है कि इतने में वो बदतमीजी करने लगा कंडक्टर का, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा दफा हो जाए। कहता वो गाड़ी जाने लगी क्योंकि वो तो इंतजार करता रहा काफी देर, जब वो चला गया कहते शदोले ने फौरन मुझे छोड़ दिया। मैंने उसे कहा कि क्या कर रहे थे तुम, चाहिए पैसे? कहता नहीं चाहिए ना, हूँ जाओ। कहता अभी आधा घंटा मैंने वेट किया, अगली गाड़ी आती है उसमें बैठा। कहता मैं आगे जा रहा था तो एक ट्रैक्टर की ट्राली थी, उसमें वही आईएएस लगी हुई थी और लोगों के सीने चिरे हुए थे, सारे तकरीबन फौत हो चुके थे। कहता मैं वापस आया तो मैंने जो लोग मांगने वाले होते हैं ना उनका रिकॉर्ड होता है आपके लोकल थाने के जेल में, शदोलों का तो हर सूरत में होता है क्योंकि खास किस्म के लोग होते हैं तो इनका रिकॉर्ड होता है, इनकी तस्वीरें नाम लिखा होता है। कहता मैंने हर थाने में चेक कराया, उस शदोले का रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला, ना उसकी तस्वीर नजर आई। ये क्या मामला है? मैंने कहा ये मामला है जो पीर मेहर अली शाह कहते थे जो खत्म नबूवत का काम करते उसकी पुष्प हजूर का, ये मेरी जिंदगी में मैंने ये मकान कई मरतबा बड़े बड़े मिनिस्टर्स और इन लोगों ने अपनी तरफ से मुकम्मल क्रैक डाउन की कोशिश की, अल्लाह ने हमें बचाया। मुझे मेरे वाले साहब कहते हैं कि मैं अगर इस ओहदे पे ना होता ना तो तूने रगड़ा जाना था। मैं कहनी अब्बा जी अल्लाह ने मुझसे काम लेना था, आपके घर में पैदा कर दिया। बात यह है दोस्ताने जी वकार कि अल्लाह सबब खुद बनाता है। आप ये काम करना शुरू हो आपको समझ नहीं आएगी कि कहाँ कहाँ से आपको गैबी मदद मिलेगी। हमारी हैसियत औकात ही नहीं है उससे बढ़ के अल्लाह ने नवाजा है। ना मैं कोई बामल, ना मैं कोई उस तरह बाशरा, लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोगों में से किसी के दिल में अल्लाह ने जगह रखी है तो फकत इस वजह से कि हम एक दो बोल हजूर अलैहिस्सलाम के लिए बोल देते हैं। अल्लाह ताला दीन इस्लाम और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का हामिया नासिर हो, पाकिस्तान हमेशा जिंदा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा औसजा, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हाजी ने मोहतरम हमारे दरमियान आले नबी औलाद अली फख्र सादात मंबा फ़ैज़ बरकात हुज़ूर क़िबला आलम हुज़ूर क़िबला पीर सैयद मोहम्मद अफजाल हुसैन शाह साहब मोहम्मदी सैफी आस्थाना शरीफ रेहान वाला आप तशरीफ़ लाए, मैं खुश आमदीद कहता हूँ।